नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आसाम में बारिश से जनपद पंचायत चेजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कचंदब के मुख्य गली में 2 फीट पानी आने जाने वालों को हो रही भारी बारिश। स्कूल जाने वाले बच्चे कीचड़ से भी सरोवर होते देखा गया। इस संबंध में जैक्स न्यूज की टीम ने पड़ताल किया तो पता चला कि पहले तो आम गली का रास्ता बहुत ही अच्छा था, मगर इस वर्ष एक किसान अपने खेत में आ रहे नाली को बंद कर दिया, जिससे गली की पानी निकासी बंद हो गया। इसी वजह से वो पानी भरा हुआ है। ग्रामीण ने तो पंचायत प्रतिनिधि को बोलते बोलते थक चुके हैं। अब जैक्स न्यूज के हवाले से ग्रामीणों ने अधिकारियों से फरियाद करते हुए आम रास्ते में भरे पानी की निकासी नाली से निकलवाने का निवेदन किया है। देखते हैं ग्रामीणों के निवेदन में कितनी कार्यवाही होती है। आइए जानते हैं ग्रामीण ने इस संबंध में क्या कुछ कहते हैं, सुने उन्हीं की जुबानी। जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में चैनल हेड योगेश के साथ। मुख्य मार्ग में यही है, हमारे बस्ती ग्राम पंचायत आने जाने का मुख्य मार्ग है, इसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पर नाली में जो पानी आ रहा है, पहले जो आ रहा था, तो अभी यहाँ पानी निकासी करने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो खेत वाला है, जो पहले नाली था हुआ करता था, उसको बंद कर दिया है। वो उसका पर्सनल है, उसका निजी जमीन, इसलिए बंद कर दिया है। मैं शासन से निवेदन करता हूँ और पंचायत से निवेदन करता हूँ कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसमें सही ढंग से कपड़ा भीग जा रहा है और बच्चे गिर जा रहे हैं, बाइक में गिर जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर गड्ढा है, कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पर नाली और जल नल योजना में खुदाई किया गया था और वहाँ पर भर भरा गया है। कल ही एक बाइक वाला गिर गया था। अच्छा,